Our next topic is ultrastructure of chloroplast. Chloroplast plants ke andar jo mesophyll cells hote hain, वहाँ पे प्रेजेंट होता है. और बेसिकली जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का शेप दो टाइप का होता है. वन इज आइदर लेंस शेप और डिस्कॉइड शेप. एंड द क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है. अगर क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रास्ट्रक्चर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो मेम्ब्रेन्स मिलेंगे. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. नाउ दिस टू मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिस्ट्रोमियम. Inside to this inner membrane, there is clear colloidal matrix is present. So this is matrix, which matrix is called as stroma. So जो इसके अंदर clear colloidal matrix present है उसको हम stroma कहते हैं. Now inside to this stroma, there are basic three things. The first one is enzymes. Second one is ribosome. And the third one is DNA. Now, what is the role of enzymes? Enzymes are basically required for reduction of CO2 into the glucose. CO2 ka reduction ग्लूकोज में करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और वो सारे एंजाइम्स स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. आप इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कह सकते हो. प्लांट्स के अंदर जनरली फोटोसिंथेसिस टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है. उसका पहला स्टेप लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा स्टेप डार्क रिएक्शन होता है. तो आप डार्क रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हो कि जिसमें CO2 का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो रहा है या फिर CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में हो रहा है, इसको हम डार्क रिएक्शंस बोलते हैं. और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है. यहाँ पर ही क्यों होता है? बिकॉज टू अकर दिस रिएक्शन वट एवर द एंजाइम्स आर नीडेड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. द सेकेंड थिंग इज राइबोसोम. अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे सो दिस इज बेसिकली राइबोसोम्स. In chloroplast, 70S type of ribosomes are present. You know very well, ribosomes are of two types, 70S and 80S. But 70S type of ribosomes are present inside the chloroplast. Now the third thing, that is DNA. So this is the structure for DNA. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, DNA एक small, circular और double-stranded structure है. सो डीएनए कैसा होता है? स्मॉल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. इस डीएनए को प्लास्टिडोम कहा जाता है. दिस डीएनए कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. सो इन द क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज प्रेजेंट. दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल. प्लास्टिडोम की वजह से क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है. ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है. सो ये था तीन कंपोनेंट्स जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ सी ओ टू इंटू द ग्लूकोज. सेकेंड राइबोसोम विच इज ऑफ 70S टाइप. एंड द थर्ड वन स्मॉल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज नोन एज प्लास्टिडोम, ड्यू टू विच दिस क्लोरोप्लास्ट एक्ट एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड
सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल. बियॉन्ड दिस इनसाइड टू दिस क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ग्राना. सो ये जो ग्राना होता है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका नंबर 40 to 60 होते हैं. दे आर 40 to 60 इन नंबर्स. बट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ग्रैनम, अगर एक ग्रैनम को हम देखते हैं तो एक ग्रैनम के अंदर ऐसी स्मॉल स्मॉल डिस्क होती है. इन डिस्क को कहा जाता है थैलाकॉइड्स या फिर उनको लैमिली भी कहा जाता है. एंड इनसाइड टू दिस लैमिली क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. एंड यू नो वेरी वेल क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. सो यहां पे जो भी रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शंस कहेंगे. अब इन रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहेंगे? बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड कन्वर्जन इन टू द केमिकल एनर्जी दैट इज नथिंग बट ए टी पी. वट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए टी पी? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो प्लांट्स के अंदर ए टी पी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? इन साइड टू दिस थैलाकॉइड्स और लैमिली जो किसमें होते हैं? ग्रैनम में होते हैं. सो लाइट रिएक्शंस प्लांट के अंदर ग्रैनम में होते हैं और डार्क रिएक्शंस प्लांट के अंदर स्ट्रोमा में होते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. वन मोर पॉइंट इज रिमेनिंग दैट इज सो दिस ग्राना आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड बाय दिस स्ट्रक्चर्स. सो दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमिली विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर ग्रैनम एंड द वन मोर नेम इज देयर दैट इज फ्रेट मेम्ब्रेन्स. नाउ व्हाई दिस स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट? दिस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ materials. So this is basically the ultrastructure of chloroplast. Once again we will revise this. देखो ultrastructure का जो shape होता है basically lens या discoid shape होता है. कहाँ पे ये present होता है? This is present in the mesophyll cells. It is basically double membrane bound structure, outer and inner membrane. Both these membranes are collectively called as पेरिस्ट्रोमियम. पेरिस्ट्रोमियम के अंदर एक कोलॉइडल मैट्रिक्स होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एंजाइम्स, राइबोसोम्स और डीएनए. व्हाई एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड? एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ सीओ टू इंटू द ग्लूकोज जिसको हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं. राइबोसोम्स आर ऑफ विच टाइप? 70S टाइप. एंड द थर्ड वन इज डीएनए विच इज स्मॉल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. दिस डीएनए इज कॉल्ड एज वॉट? प्लास्टिडोम. प्लास्टिडोम होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी है. उसके साथ में इसके अंदर 40 टू 60 ऐसे स्मॉल सर्कुलर एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनको कहते हैं ग्राना. उनका नंबर 40 टू 60 होता है. अगर एक ग्रैनम को देखा जाए तो एक ग्रैनम के अंदर ऐसी छोटी छोटी लैमेलीज होती है जिनको हम थैलाकॉइड्स भी बोलते हैं. उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो बेसिकली लाइट का एब्जॉर्प्शन करके उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी में करता है और इसलिए उसको लाइट रिएक्शंस कहते हैं. तो लाइट रिएक्शंस प्लांट के अंदर ग्रैनम में होती है और डार्क रिएक्शंस प्लांट के अंदर स्ट्रोमा के अंदर होती है. उसके बाद ये जो ग्राना है आर इंटरकनेक्टेड बाय वॉट? स्ट्रोमा लैमेली जिसको हम इंटरग्रैनम भी कहते हैं. उसको और एक नाम है, उसको हम फ्रेट मेम्ब्रेन्स कहते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन बेसिकली यहाँ पे भी जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना. तो ये था क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रास्ट्रक्चर.